छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। और सुनाओ बेटा, क्या हाल है, कैसे आना हुआ? मैं ठीक ठाक आंटी, बस कोई खास काम नहीं है। जब कोई खास काम नहीं था तो इतनी अर्जेंट मिलने आई क्यों तुम? काम तो है मुझे। हाँ तो फिर बताओ ना, क्या काम है? सुनो, आज ही की डेट भी बता देना, ठीक है? अच्छा चलो, पहले ये बताओ कि क्या खाओगी, क्या पियोगी? चाय मंगा लें। गुलाब लड्डू। जी 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 बेगम साहब, आपने मुझे याद किया। जी हाँ, देख रहे हैं मेहमान आए हुए हैं, तो जरा चाय वगैरह कुछ ले आइए ना। वाह वाह वाह, अभी ले गया, ले गया। कमाल है, आपने चाय बनाने के लिए गुलाम रखे हुए। अरे नहीं भाई, गुलाम मेरे पापा का नाम है, और ये जो आए थे ना, ये मेरे पापा हैं। ओह अच्छा, फिर ठीक है। हाँ बेटा बताओ, किस काम से आई हो? हम शहर से 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ तो हमें ये बताने आई हो? नहीं नहीं, आगे तो सुनो। बोलो बोलो। मेरी खानदानी मुलाजमा और उनकी बेटी घर पर अकेली होगी, तो हम क्या करें? तो अगर मैं उन्हें यहाँ छोड़ दूँ एक दिन के लिए? अरे तो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, बुला लो उन्हें। बुलाना क्या है, साथ लाई हूँ, बाहर खड़ी हैं दोनों। बाहर खड़ी हैं? वो लड़कियाँ या मोटरसाइकिल हैं जो बाहर खड़ी हैं? गुलाम जाइए और जाकर उनको अंदर ले आइए। एक को लाओ, दो को। गुलाम जब मैं समझ गया, समझ गया। आखिर से समझ गया पापा। ऐसे ठीक है, ऐसे पूछ रहा है। जी आप लोग कौन, किसे मिलने हैं? आप कौन है? जी मैं इस घर का नौकर है। अच्छा, वो हमारी मालकिन ऊपर गई है, आपकी मालकिन से मिलने। बात सुने, मैं इस घर का नौकर नहीं हूँ, घर दामाद हूँ। माफ करना, वैसे लग तो नहीं रहा। आप दोनों को अंदर बुला रहे। यानी आप भी नौकर ही हो? अरे ये भी नौकर नहीं है इस घर के। तो फिर कौन है? मैं तानी बेगम का शौहर हूँ। लो जी, ये तानी बेगम कौन है जी? तानी बेगम इस घर की मालकिन है जी। तो ये बोले ना कि आप मालिक हैं। हाँ, तकरीबन कह सकते हैं। ये क्यों असर है? इसके बे न जाए, ये असल में हसमुख किस्म का आदमी है, ये हरकतें करता है ऐसे। ये सुनो लड्डू, तुम ये सौदा लाए हो, बाजार जाओ, दोबारा से ये लेके आओ। जाओ आइए, अंदर आइए। आप मेरे साथ आइए, आ जाइए। चलें 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 चलें, अभी चलें जी। आ जाइए आ जाइए। भाई तुम लोग बबली की मेड्स हो तो क्या हुआ है, हमारे घर में तो मेहमान हो ना, इसे अपना ही घर समझो और आराम से रहो। क्या वाकई? हाँ, मगर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा जी, चलो भाई, इस बार में हमें भी आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। सही कह रहे हैं ससुर जी आप। गुलाम कोई आराम वराम नहीं, समझे? देखे बेगम, अब मेड आ गई है काम करने के लिए, तो अब हमें आराम मिलना चाहिए ना थोड़ा बहुत। मम्मी जी कुछ तो नजर सानी करें ना। लड्डू ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे तुम? क्यों भाई? भाई ये मेरी फ्रेंड्स की मेड है, हमारी थोड़ी है कोई, इसलिए हमें इनका पूरा ख्याल रखना है, बिल्कुल मेहमानों की तरह। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों को कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से जाओ, जाके इन लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाओ। जाओ जी, जाओ जाओ लड्डू, जाओ पका के लाओ। गुलाम जाइए, फौरन जाइए। लड्डू हाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। बस भाई आप लोग हमारी मेहमान हैं, ठीक है ना, तो आराम से यहाँ रहें। और हाँ, अगर कोई काम हो तो घर के मर्दों को आवाज दे के बुला लेना, हम खुद ही काम कर लेंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोग तो इस घर की मेहमान है ना। हमें तो आदत है जी काम करने की। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पर आप आराम करें। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जरा किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम को मिलेंगे। अब मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो पूछना मत, डायरेक्ट मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? बाय। अच्छा जी, शुक्रिया। मेंशन नॉट। वे यार भाई, यार लड्डू थक गए यार। सही कह रहे ससुर जी, दिल चाह रहा है एक कप गर्मा गर्म चाय पीने को। अरे यार बड़ा दिल चाह रहा है यार, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। किसकी, चाय पीने की?
अबे नहीं यार भाई, चाय बनाने की यार। हाँ ये आप सही कह रहे हैं, चाय बनाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। लड्डू? चाय नहीं आई आपकी अभी तक? लड्डू लड्डू भाई, मेरे प्यारे लड्डू। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, समझ गया मैं। क्या हुआ? यकीन है कोई ना कोई काम करवाना हो आपको। लड्डू चाय बना दे यार। ससुर जी मैं भी थक गया हूँ यार आपकी तरह, चाय बना दूँ यार। यार एक चाय बनाने में क्या जा रहा है यार, आधी आधी पी ले। मम्मी जी कम थी, आप भी बोल रहे अपने काम देने शुरू हो गए मुझे। नहीं यार इस वक्त थकन हो रही है ना बहुत यार। मुझे भी हो रही है यार। चाय यार पसंद यार, ये बात है यार, अजीब बात करते चाय चाय की कसम चाय। अब लड्डू ये देख चाय घूम रही है यार। ऊपर भी देखें। किसको देनी है चाय बता दें अब ये भी। देखे नहीं आनी, आपके लिए लाई हूँ। आपको चाय पीनी थी ना। अबे चाय मेरे लिए लाइए भैया। आप चाय मेरे आए, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, हम तो पूरे घर का दिन रात काम करते हैं। आप बनाई ली थी तो कुछ मेरा भी ख्याल कर लिया। बस चाय मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, मुझे पता ही हनी को लेकर आनी होगी। ना जी ना, ये आप ही के लिए है। पक्का? वाह भाई वाह, मेरे लिए? लेकिन आप मम्मी जी को मत बताइएगा। हाँ अगर बता दिया तो पी हुई चाय वापस करनी पड़ जाएगी। आप बेफिक्र हैं, हमको मालूम हो चुका है। यहाँ क्या मालूम हो चुका है? यही मालूम हो चुका है कि आपके इस घर में जुल्म और जबर की ना दास्तान लिखी जा रही है। ससुर जी? यार ससुर जी अब तुम रोना मत शुरू कर दो यार, चुप करो। आप ना आराम करें, जब तानी बेगम आएगी ना तो सारा काम मैं कर लूंगी, बेफिक्र रहें। सच्ची? मुच्ची, मुच्ची। जी जी आप लोग आराम कीजिए, कुछ भी चाहिए हो बस आवाज दे दीजिएगा। ठीक है जी, बाय। वाह ससुर जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं हवाई जहाज में सफर कर रहा हूँ। वो आती ना खूबसूरत खूबसूरत लड़की, उनको आवाज दो। अब मैं आवाज दूंगा शबनम। हवाई जहाज क्या बेचता है इस चाय के आगे? अरे किसने लाके दी है? शोला है, शोला। शबनम है, शबनम। चाय बस गरम बनाइए, लेकिन मजे की है। हाँ और मिराज, और बताओ कैसे आना हुआ है? कुछ नहीं यार, तुम लोग तो आते नहीं, मैंने सोचा मैं खबर लूं जाके। अब क्या हाल हो गया हमारी खबर? हमारी खबरों में तो मायूसियां भरी हुई है यार। जी जी मैं समझ सकता हूँ। खैर ये बता चाय पिएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं यार, आज तो खुद जाके बना ले। तू ये मजाक समझ रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं? अबे मजाक नहीं कर रहा है, हम आराम कर रहे हैं आज। क्यों तानी बेगम घर पर नहीं है क्या? अबे किस हिटलर का नाम ले लिया तूने? बात सुन, मेरी शक्ल देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि जो मैं खुश खुश तुझसे बातें कर रहा हूँ कि तानी बेगम घर पे है कि नहीं है। मतलब कि चाय वाय नहीं मिलेगी? ये कौन थी भाई? मेड। अबे क्या मेड रख ली? तुम दोनों के पेट पे लात पड़ने वाली है क्या? ओ भाई ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। फिर ये क्या मामला है यार? मैं बताता। देख ऐसे ऐसे जन्नती लोग मौजूद है इस दुनिया में। जन्नती? जरा देख भाल के। क्या मतलब? मतलब ये कि इन चक्करों में मत पड़ो। अबे ये क्या चक्कर वक्कर की बातें कर रहा है भाई तू? कोई चक्कर वक्कर नहीं चला रहे हम यार, चक्कर तू चला रहा है भाई। जो काम करने आया वो कर, चाय पी और निकल ले, हमें बहुत सारे काम है। और बल्कि मैं एक काम कर, चाय ना ही पी तो अच्छा है, ठीक है ना? आ गया यार खामखाई। ससुर जी के आने से पहले ही बंटवारा कर देता हूँ। 200 उसमें से बचे थे, 210, 220, 230, 240, 200। अरे ये तो कम है, गोभी वाले कहाँ गए?
सुनिए जी, वो आप मसरूफ तो नहीं थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आप बोले। वो जी ना, मैं जरा बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बातें कर लूं। करें बातें, करें करें। आपको देख के लगता नहीं है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ रह रहे होंगे? हैं? आपने कैसे अंदाजा लगाया? ओ जी, अंधे थोड़ी हैं हम लोग। जो जुल्म होता आप लोग के साथ देख रहे हैं उसी से तो यही लगता है। सही कह रही हैं। मेरे बाप ने मुझे यहाँ लाके फंसा दिया, वरना मैं बड़े काम का बंदा था। तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? भाग के कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन रखेगा? सच बात बताऊं, मुझे आता जाता कुछ नहीं, इसीलिए यहीं पड़ा हूं। तो मेरे साथ चले मेरे गांव। गांव? मतलब शहर छोड़ के गांव चले जाऊं? जी आजकल के गांव भी शहरों जैसे हो गए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से नौकरानियां बीवियों की तरह हो गई हैं। खैर मैं वादा की करूंगा क्या? कुछ नहीं, सुकून से जाके जिंदगी गुजारना, और क्या। और मेरा खर्चा पानी? वो मेरी जिम्मेदारी। वो कैसे? वहाँ हमारी कुछ जमीन है, वहाँ से कुछ किराया आता है, दोनों का गुजारा हो जाएगा। अच्छा, अच्छे से हो जाएगा? हाँ जी। पर एक बात तो बताएं, आपने मुझमें ऐसा क्या देखा? ओ जी वही बेबसी जो हमारे साथ हो रही है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आप इस घर के दामाद हैं और आपके साथ इस तरह का सलूक। क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि जब तुम भाग सकती थी तो भागी क्यों नहीं। ओ जी हम शहर आके फंस गए, हमारे पास गांव जाने के पैसे ही नहीं है। जुल्म है जी, मैंने कहा ये तो सफा जुल्म है, बहुत जुल्म है। बस आप बस का टिकट करा ले, हम वहां पहुंच जाए, फिर वहां जाके तो कोई मसला ही नहीं है। बस से क्यों, ट्रेन से चलते हैं ना। और 20-25 हज़ार रुपए तो मैंने ये सौदे में चुन्नी चोरियां करके बचा के रखे हुए हैं। नहीं मुझे पैसे चाहिए। ए, ये पैसे किस दिन काम आएंगे? और वहां जाके वैसे भी पैसों का मसला तो होगा नहीं। चलें जैसे आपकी मर्जी। चमलून जी। वो मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बोले। मुझे आपको देख के ना बड़ा अफसोस होता है। मैं भीख मांग रहा हूँ क्या? अरे मैं तो गाना गा रहा था भाई। देखे ना क्या जिंदगी आपकी, ना इज्जत आपकी बेटी करती है ना बीवी। जो रवैया आपके साथ है ना आपके घर वालों का, ऐसे तो कोई पालतू जानवर के साथ भी नहीं करता। हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी नजर मुझ पे कैसे पड़ी? जो आप पे गुजर रही ना वही हम पे भी गुजर रही है। हम भी तो खिदमतों में मारे जा रहे ना, कभी ये करो कभी वो करो। हाँ तो हम जैसे लोग अब कर भी क्या सकते हैं? हम एक दूसरे का ना सहारा भी तो बन सकते हैं ना। सहारा? शबनम के अब्बा ना बहुत पहले ही गुजर गए थे, उसके बाद हमने फिर जुल्म ही जुल्म देखे। मुझे आपको देखकर ना ख्याल आया, जैसे मेरे साथ गुजर रही ना वैसे ही आपके साथ गुजर रही, और हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। हाँ आप मैं चाहती हूँ छोड़े रहने दे, मेरे साथ गांव चले। क्यों छोड़? गांव गांव में क्या? मेरा ध्यान भी नहीं रखा उन्होंने। तो फिर आप अभी तक क्यों नहीं गई वहाँ? तो कैसे जाती, हमें तो यहाँ ला के फंसा दिया। अच्छा? बस आप ना गांव जाने का बस का टिकट करा ले, और वैसे भी सारा कुछ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बस में क्यों भाई, हम ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से। आराम से ट्रेन में। नहीं उसमें पैसे ज्यादा लग जाएंगे। अरे इतने पैसे तो मेरे पास हैं, बचा बचा के यूं छप्पर किए मैंने, रखे छुपा के। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। हाँ अरे क्या बात कर रही है, गांव पहुंच जाएंगे तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे, आप फिक्र ही नहीं करें। हाय सच्ची? अरे यार रह गया। अरे यार आज कितना अच्छा दिन है। गाओ। आओ थोड़ी देर गप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, है ना?
भाई अबे तू कहाँ गया? भाई जान पकड़ा गया, भाई जान पकड़ा गया। हेलो एक्सक्यूज मी, अबे तू कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो ना ऊपर से जाने की जगह ना नीचे जा रही है, तू कहाँ से आया? मैं आ गया कहीं से, पहले इनका तो इंट्रोडक्शन कराओ। ये कौन लोग हैं, कहाँ से परियां घूम रही है इस घर में? कौन सी परियां, कहाँ है परियां, किधर है परियां, कौन सी परियां, कहाँ है? मैंने अभी खुद देखी यहाँ। देख मेरे साथ हुआ क्या, मैं भाग रहा था तेज तेज, मेरे पीछे चार लड़के भाग, ठीक है, फिर पता नहीं कहाँ से कौन सा इंजन मुझे लगा कि मैं उड़ के इधर आ गया और मैंने तुम लोगों को ये एंजॉय करते हुए देखा। कौन है ये लड़की? एक बिट्टू अपने तक वीडियो बात, आगे ना जाए। नहीं कभी भी नहीं। एक तो है शबनम, ओह, और एक है शोला। अच्छा, कोई छोटी चिंगारी नहीं है क्या, कोई फुलझड़ी आपके भाई के लिए? शबे बरात पे होती है, और कुछ नहीं, मतलब आज के लिए कुछ नहीं गया? ऐसा कुछ नहीं, मुझे ये बता तू क्यों आया है? ये ला कौन रहा है बच्चे इतनी, ये तो बता दो कौन मिल गया तुम लोगों को इस घर में, क्या खोल लिया तुम लोगों ने? तू मेरी बात सुन, तू यहाँ क्या कर रहे, बड़े गलत एंट्री दिए तूने, बता। बुआ ये के ना, वो जो मैंने तुझे शुरू में बताया ना कि चार लड़के मेरे पीछे भाग रहे थे, मैं आगे भाग रहा था, कोई हमारी रेसिंग तो हो नहीं रही थी, जरा मैंने उनको देना है उधार, ज्यादा पैसे नहीं है तेरे पर लोड नहीं डालना, हाँ ना 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 ना, थोड़े से पैसे हैं सिर्फ 20,000 रुपए, बस वो दे दे मैं उनके मुंह पे मार दूंगा। मुझे पता था बेटू तू जमीन फाड़ के होगेगा या आसमान से टपकेगा। मेरी समझ में नहीं आता एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास पैसे मांगने आता क्यों है? एक भिखारी दूसरे भिखारी की मसला समझता है ना दोस्त, तू बात क्यों नहीं समझ रहा? माफ सुन, मेरे पास जो चुन्नी चोरियां करके पैसे है ना, उससे तो मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ बहुत इज्जत के साथ, शबनम के साथ गाँव पहुँचने वाला था, तूने एंट्री मार दी है। चल तू जा, जहाँ जाना है यार, मैं दोस्त के लिए बीच में खलल थोड़ी डालूंगा, तू एंजॉय कर अपनी जिंदगी मेरे दोस्त। दोस्त होते किसने? अच्छा सुन, भाभी का नंबर तो दे दे यार। भाभी का नंबर भी चाहिए तुझे? कोई खास बात नहीं है यार, वो मैंने तुम दोनों की मस्तियां करते हुए वीडियो बना दी थी, तो वो भाभी को सेंड कर दूंगा। कौन सी वीडियो, किसकी वीडियो? मेरी वीडियो, ये शबनम के साथ पानी पानी हो रहा था ना, वो मैंने यूं करके बना दिया, मैं भाभी को भेजूंगा थोड़े पैसे। तो खुद सोचना, एक तरफ शोला एक तरफ शबनम, बीच में बंदा पानी पानी नहीं होगा तो क्या होगा? तूने वीडियो बना, मैंने ये हसीन मूवमेंट कैप्चर कर लिया, अब मैं अपनी प्यारी भाभी को दिखाने जा रहा हूं। आई एम कमिंग बिट्टू, मेरा भाई, मेरी जान के टोटे, तू क्या कर रहा है? मेरी बात सुनना यार बिट्टू, तू मेरा पुराना दोस्त, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू अपने लड्डू के साथ ऐसा मत कर। मैं मेरी बात सुन ले, एक सलूशन है मेरे पास, एक छोटा सा हल है, वो मैं इस तरीके से करूंगा कि मेरे पास जो ऐसे है ना, हाँ, चलो हमने कौन सा उनको पैसे दे देने, वीडियो भी नहीं बनी, थकावा कैमरा। अभी इससे आगे ना और मेरी बातें सुनो। अरे नहीं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, क्या हो रहा है ये? गुलाम लड्डू क्या हो रहा था ये? ओ तमीज में बात करना, और गुलाम से तो बिल्कुल तमीज में बात किया करो। हाँ तुम पागल तो नहीं हो गई हैं? नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो। मैं नालत भेजती हूँ ऐसी मालकन पर और ऐसी नौकरी पर। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा, क्या पके जा रही है? अरे क्या हो गया मामा, कैसा शोर है यहाँ पे? अरे क्या यानी कितनी बदतमीजी कर रही है ये मेरे साथ? क्या मसला तुम्हारे साथ, पागल तो नहीं हो गई तुम? मैं अभी फोन करती हूँ बबली को। बस बस देख लिया तुम लोगों को, लेकर जा रहे हैं हम इन दोनों को तुम्हारी कैद से आजाद करा के। क्या बकवास कर रही है ये गुलाम? सही कह रही है ये, बहुत हो गया बहुत, जा रहे हैं हम लोग गाँव। पापा लड्डू क्या बोल रहे हो तुम ये सब? आवाज नीची करो हनी, बहुत सुन ली तुम्हारी ऊंची आवाज। हाँ अब नहीं। अरे वाह, कुछ ही घंटों में तुम्हारे तेवर ही बदल गए। हाँ हाँ, क्योंकि इनको हमारा सारा मिल गया, ये दोनों और हम दोनों जा रहे अपने गाँव। जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है ये, और अगर कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए हमको। हाँ निकलो, फौरन निकलो मेरे घर से, चलो दबाओ जाओ यहाँ से, और तुम दोनों भी उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। जा रहे जा रहे, मैं तुम दोनों का ना इंतजार बाहर कर रही हूँ। मैं भी, निकलो दफा हो यहाँ से। किस कदर बदतमीज औरत है, तौबा तौबा, आप लोग अपना फौरन सामान उठाएं और निकल जाएं मेरे घर से, चले। हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी करो, निकलो मेरे घर से। चल भाई लड्डू सामान उठाओ।
चले ससुर जी, जा रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है, जा रहे हैं। बताओ किस कदर बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, पागल हो गए लगता है। मामा मैं बता रही हूँ, मैंने इन दोनों को चुटिया पकड़ के मारूंगी, मेरा ना लड्डू छीन लिया उसने मुझसे। अरे छोड़ो हनी, दफा करो, इन जैसे नमूने और मिल जाएंगे हमें, जाने दो इनको। मेरी ना सारे के सारे पैसे चोरी हो गए यार, लड्डू मेरे भी पैसे चोरी हो गए यार। यार मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी भाई, वो तो मैंने मम्मी जी के जितने पैसे मारे थे सब चोरी हो गए। कैसे वो नहीं नोट थे। फोन निकाले और फोन निकाल के शोला को फोन करे अभी के भी। पता करो शोला को, तू शोला है, तू शबनम है। ये क्यों रो रहे हो? लग रहा है हमें धोखा दे दिया, फिर धोखा हो गया। क्यों फोन बंद है क्या? बंद है फोन यार। अरे लड्डू गुलाम, हम लोग लूट गए, मेरी अलमारी का ताला टूटा पड़ा है, वो लोग मेरे सब जेवर सारे पैसे लेकर भाग गई है, मैं लूट गई बर्बाद हो गई। हाँ मैंने ना अभी अपनी अलमारी चेक की, मेरे सारे जेवरात गायब है, सारे पैसे गायब है, सिर्फ एक मोबाइल बचा हुआ है, ये मेरे पास था इसलिए। अरे हनी वो तुम्हारी दोस्ती ने जिन्होंने इन मेट्स को रखवाया था, बबली को फोन करो। हाँ पता करो। अरे हाँ मैं बबली को फोन करती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मेरे सारे जेवर लेके चला गई वो। मम्मा जल्दी करो भाई, जल्दी करो, निकल जाएंगे बहुत दूर। हेलो बबली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, जल्दी से हमारे घर पे आ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। अरे तुम लोग गए नहीं, तुम तो कह रहे थे हम जा रहे हैं। ओ लगा तो सामान लेके आओ अपना, तो सामान लेके पहले मालूम हो गया कि सामान तो है ही नहीं। अच्छा हुआ तुम लोगों से ऐसा ही होना चाहिए, तुमसे तो मैं मिलती हूँ, पहले मेरा सेट मिल जाए। अरे आई नहीं तुम्हारी सहेली अभी तक। बबली हम ना लूट चुके, वो तुम्हारी खानदानी नौकरानी थी ना, वो हमारा सब कुछ लूट के चली गई, हमारा सब कुछ खाली हो गया। अरे पकड़ो उसको, पुलिस को बुलाओ, पकड़वाओ उसे। क्या वाकई? शुक्र मैं बच गई। हाँ बच गई, बच गई से क्या मतलब भाई? मैंने झूठ कहा था, वो कोई खानदानी नौकरानी नहीं थी, मैंने तो उन्हें आजमाने के लिए यहाँ भेजा था। गुलाम अब क्या कलेजा फाड़ने का इरादा है? इससे ज्यादा तो जंगी जहाज आवाज नहीं निकाल सकता। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी। हम साल के पांचवें घर की नवे जो खांचे हैं, उसमें खांचे ही खांचे हैं। खांचे 20,000 में ऐसा क्या मिलेगा? हॉलैंड के सेब, फ्रांस के चकोतरे, जर्मनी के टिंडे। और मैं तो कहता हूँ 5,000 और ले जाओ। तुम लोगों से क्या करना हिसाब किताब, आधे मेरे आधे तुम्हारे। नहीं चाहिए भाई तुमसे कुछ भी, हम ठेले पे से ले लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां, घर का मां के घर का मां।